नमस्कार मित्रों, डाइट पार्टनर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा रही। बात चली थी क्लास 12वीं के हिंदी साहित्य का पाठ रहीम और पाठ रहीम के हम दोहों पर चर्चा करे थे। हमने अब तक जो पढ़ा है उसे एक बार वापस इस स्लाइड में देख लेते हैं। हमने यहाँ रहीम का परिचय पढ़ा था। रहीम जी का जन्म कहाँ हुआ, रहीम का निधन कहाँ हुआ, रहीम के पिताजी कौन थे, कौन कौन सी भाषाओं के जानकार थे और इसके साथ साथ हमने उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ा था। उनकी रचनाओं की भाषा कौन सी थी वो पढ़े थे हमने। और उसके बाद हमने रहीम के जो दोहे पढ़े थे, ये पहला दोहा हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, चौथा हो गया था, पांचवा और छठा हो गया था, सातवा और आठवा हो गया था और हमने लास्ट सेशन में ये 10 तक दोहे लिए थे। लास्ट दोहा में लिया था रहीम रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े घाट पर जाए। ये दोहा हमने लिया था अंतिम क्लास में। आज रहीम के सेशन की तीसरी और अंतिम क्लास है। रहीम के जो दोहे बचे हुए हैं उन दोहों को आज हम करते हैं। देखिए बहुत अच्छा दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानस। पानी 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 तीन अर्थ अलग अलग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानस। रहीमदास जी कहते हैं आदमी को इज्जत रखनी चाहिए, मान मर्यादा रखनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। ये पानी पानी का अर्थ है इज्जत। बिन पानी सब सुन, अगर व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है, व्यक्ति की सम्मान नहीं होता है, व्यक्ति की मर्यादा नहीं होती है तो उसका जीवन सूना हो जाता है। पानी गैन उबरे मोती मानस चून। यहां पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया, मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए। पानी गैन उबरे, यदि पानी निकल जाता है, यदि आदमी की इज्जत उतर जाती है तो वह कोई काम का नहीं होता है। या पानी का अर्थ यहां मोती के लिए लिया है, चमक के लिए। अगर मोती की चमक खो जाता है तो मोती कोई काम का नहीं होता। बिना चमक के मोती किसी काम का नहीं होता है। पहले अर्थ में यहां पानी का अर्थ लिया है चमक से। दूसरा मनुष्य, अगर मनुष्य की इज्जत निकल जाती है, मनुष्य का स्वाभिमान नहीं होता है तो मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं होता है। और तीसरा जो पानी का लिया है वो चून के लिए लिया है। चून मतलब होता है आटा। अगर पानी नहीं हो तो आटा किसी काम का नहीं हो सकता है। आटा गूंदने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहां पानी के तीन अर्थ लिए हैं, चमक, इज्जत और वह पानी जल जिसकी बात करते हैं। तो यहां रहीम जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। और अगले दोहे में देखते हैं ये दोहा। देखिए भक्ति का दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समा है। भक्ति और श्रृंगार या यूं कहें भक्ति श्रृंगार का दोहा है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समा है। यदि आंखों में, यदि हृदय में अपने प्रीतम की छवि समा जाती है तो दूसरी कोई छवि या दूसरा कोई स्वरूप उसके अंदर समा भी नहीं सकता। यहां प्रीतम के जो अर्थ लिए, मैंने कहा था कि मध्य काल में जो दोहे लिखे गए थे बहुअर्थी दोहे थे, कई अर्थ निकलते थे उसके। यहां रहीमदास जी कहते हैं ईश्वर के लिए कहे ईश्वर, ईश्वर की छवि यदि नैनों में बस गई है तो दूसरी कोई छवि वहां बस ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से यदि इसको श्रृंगार से जोड़ू तो मैं ये कहूंगा कि यदि प्रेमी की, यदि अपने प्रीतम की छवि आंखों में बस गई है तो कोई दूसरी छवि उसमें आ ही नहीं सकती। यानी भक्ति और श्रृंगार दोनों इस दोहे में आ गए। दूसरी पंक्ति में देखिए उद्धरण क्या है, भरी सराय रहीम रखी पथिक आप फिरता है। मैंने कल भी आपसे इसे पहले सेशन में चर्चा की थी आपसे, ये कहा था कि मध्य काल में जो दोहे लिखे गए थे बहुअर्थी थे, विभिन्न अर्थों में उसको देखा गया था और उसकी प्रथम पंक्ति जो होती थी द्वितीय पंक्ति उसका उद्धरण हुआ करती थी, उदाहरण हुआ करती थी।
रविदास जी कहते हैं कि अगर प्रेमी की छवि हृदय में बसी हुई है, आंखों में बसी हुई है, तो उसके अलावा और कोई समा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि सराय भरी हुई है, सराय के कमरे भरे हुए हैं, तो पथिक को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, पथिक अपने आप ही लौट जाता है। भरी सराय रही लखी लखी देखकर पथिक यात्री आप फिर जाए फिर यानी लौट जाता है। रविदास जी कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में हमारी आंखों में एक जो छवि समाई हुई है, उस छवि के अलावा और कोई समा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर सराय भरी हुई देख करके पथिक वहां रुकता नहीं है, अपने आप ही लौट जाता है। अब अगले द्वारी की तरफ आते हैं, तेरहवा द्वार देखिए। यो रहीम जस होत है उपकारी के सब। रहीम जी ने बहुत ही बढ़िया लिखा, नीति पे लिखा, श्रृंगार पे लिखा, वियोग श्रृंगार पे लिखा, भक्ति पे लिखा, और रहीम के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जन जन की आवाज बने। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वाले के लगे जो मेहंदी के। बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं, परोपकारी व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उसकी प्रसिद्धि के साथ आपकी प्रसिद्धि अपने आप भी हो जाती है। अगर परोपकारी व्यक्ति है, उपकारी व्यक्ति है, आप केवल उसके साथ रहेंगे ना, तो भी लोग आपकी सराहना करेंगे। देखो कितना सज्जन व्यक्ति है। उदाहरण के तौर पर कहा, मैंने कहा ना दूसरी पंक्ति उदाहरण होता है। एक उपकारी व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने पर आप भी उपकारी बन जाते हैं, आपकी भी शोभा हो जाती है। बांटन वाले के लगे जो मेहंदी के रंग। आपने देखा होगा मेहंदी को घोड़ता है ना, उसके हाथों में अपने आप ही मेहंदी लग जाती है। तो यहां रविदास जी कहना ही चाहते हैं कि यदि उपकारी व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप स्वयं उपकारी बन जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि, आपका यश अपने आप हो जाएगा। जैसे मेहंदी घोटने वाला तो मेहंदी किसी और के लिए घोटता है, लेकिन उसके हाथ में मेहंदी अपने आप ही रख जाती है। हम आते हैं चौदह द्वारी की तरफ। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे पिन को, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन हो। बहुत ही सुंदर दोहा है, और इन दोहों को विभिन्न अर्थों में देख सकते हैं, विभिन्न अर्थ आ सकते हैं। यहां रहीम जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे पिन को। यदि एक बार बात बिगड़ जाती है, मामला बिगड़ जाता है, तो वह बना ही नहीं बनता। कहते ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रकार से रविदास जी कहते हैं एक बार जो बात बिगड़ जाती है, वह बात कितनी भी कोशिशें करो वापस बनती नहीं है। उदर के दूर पे कहा है रहीमन फटे दूध को माथे न माखन होए। रविदास जी कहते हैं फटा हुआ दूध होता है ना, उसको चाहे कितना भी मत लो, लेकिन उसके अंदर कभी भी माखन नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार से एक बार यदि आपकी इज्जत बिगड़ जाती है, यदि आपकी मान मर्यादा को क्षति पहुंच जाती है, एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है, तो उस बात बनाने की कोशिश करो तो भी नहीं बनती है। जिस प्रकार से दूध को कितना भी बिलो, कितना भी मतलो, लेकिन फटा हुआ दूध कभी माखन नहीं देता है। अब आते हैं रहीम के अंतिम दोहे की तरफ। आपके क्लास 12 के हिंदी साहित्य के पार्ट 3 रहीम में कुल 15 दोहे हैं, 15वां दोहा आपके पास है। इसी के साथ हमका रहीम पाठ पूरा होगा। मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाए। अब देखिए रविदास जी बहुत सुंदर बात कही है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार से दही को जितना मथते हैं, जितना मथते हैं, उसको जितना अधिक मथोगे, उतना ही उसमें से मही यानी छाछ और दही से अलग हो जाएगी, दही दूध और छाछ को अलग कर देगा। यानी जितना मथोगे दही को, उससे छाछ और मक्खन अलग हो जाएगा। रहीमन सोई मीत है भीड़ परे ठहराए भीड़ कष्ट। रविदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र तो वह है जो कष्ट के समय काम आए। अब देखिए दही को जितना अधिक मथोगे, जितना अधिक मथोगे, उसमें से
छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा। और सच्चा मित्र भी उसी तरह होता है जो परेशानी के समय आपके काम आता है। इससे पहले भी रही मित्रता की कई दोहे कहे हैं, सच्चा मित्र वह है जो कष्ट के समय साथ दे। तो यहां 15 दोहे थे, 15 दोहों पर हमने चर्चा की थी। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि दोहा छंद जो है मध्य काल में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। ये दोहा एक मात्रिक छंद है और इसके अंदर दो चरण होते हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में प्रथम चरण और द्वितीय चरण प्रत्येक पंक्ति में। इसमें प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है, इसमें 11 मात्रा होती है, 13 11 13 11। इस प्रकार से मात्रिक छंद से दोहा बनता है। आज हम रहीम के इस पाठ को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे अगले पाठ की तरफ। तब तक के लिए विदा, आपसे वही अनुरोध करता हूं, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस पे रहें और सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क लगा के रहें और घर बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखें। तब तक के लिए विदा।